सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मित्रों, आज मेरा सौभाग्य है उत्तर प्रदेश की राजधानी ऐतिहासिक शहर लखनऊ में आने का मुझे अवसर मिला है। सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश की जनता को प्रणाम करता हूं। सारे राजनीतिक पंडितों को झुटलाते हुए जातिवाद, पंथवाद, वंशवाद, छदम सेक्युलरवाद के ऊपर उठकर उत्तर प्रदेश की जनता ने भारी जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दिया है और फिर 64 सीटें जीतकर मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनाने का सौभाग्य भारतीय जनता पार्टी को दिया है। भारतीय जनता पार्टी की ये विजय मोदी जी के असाधारण व्यक्तित्व और असाधारण लोकप्रियता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी की अचूक रणनीति, उनके नेतृत्व में प्रदेश के संगठन की टीम, माननीय पांडे जी हमारे अध्यक्ष हैं, उनके परिश्रम और करोड़ों करोड़ कार्यकर्ताओं की अनथक परिश्रम के कारण जनता के आशीर्वाद से मिली है। भारतीय जनता पार्टी की विजय अभूतपूर्व है, लेकिन इस जीत के बाद भी हम आराम से नहीं बैठे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है, इतिहास रचा है सफलता का भाजपा ने, लेकिन सर्वोच्च आना अभी बाकी है। तब जब बाकी प्रतिपक्षी मित्र या तो हताश होकर बैठ रहे हैं, हम नहीं बनेंगे और कोई को बनाओ, या छुट्टियां बना रहे हैं या दिखाई नहीं दे रहे, तब भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प किया है कि हमें अभी और आगे बढ़ना है, सर्वोच्च आना बाकी है। और सर्वोच्च आने का मतलब यह है कि जिन राज्यों में अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वहां भी हमें सरकार बनाना है, चुनाव जीतना है, जनता का आशीर्वाद प्राप्त करना है, चाहे वो बंगाल हो, उड़ीसा हो, तमिलनाडु हो, केरल, आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, कश्मीर घाटी हो, इन सब में हमको भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करके सरकार बनाना। और जहां हमने सफलता प्राप्त की है वहां भी हमको मार्जिन बढ़ाना है। अगर हम जीत गए किसी लोकसभा में, विधानसभा में, तो 50% से ज्यादा वोट प्राप्त करके मार्जिन और कैसे बढ़ा पाए, इसके लिए काम करना है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना संगठन पर्व प्रारंभ किया है, और संगठन पर्व का मतलब है संगठन का विस्तार इन सब राज्यों में, और बाकी जहां बेहतर है वहां और आगे बढ़ाना है। और संगठन के विस्तार का आधार है सदस्यता, क्योंकि 2019 में जो सफलता भारतीय जनता पार्टी को मिली उसके पीछे 2015 में जो मेंबरशिप कैंपेन हमारी चली थी, सदस्यता अभियान हमारा चला था, और 11 करोड़ सदस्य बना के माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, उसका बहुत योगदान। अब इस काम को और आगे बढ़ाना, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हम सदस्यता के अभियान को एक बार फिर पूरे देश में प्रारंभ करेंगे। हमने सदस्यता का अभियान 6 जुलाई से प्रारंभ करने का फैसला किया है।
6 जुलाई से सदस्यता का अभियान हमारा प्रारंभ होगा, 11 अगस्त तक सदस्यता का अभियान चलेगा। हमारी सरकार का मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन संगठन का मूल मंत्र है सर्वस्पर्शी भाजपा और सर्वव्यापी भाजपा। सर्वस्पर्शी का मतलब है समाज के हर वर्ग में भारतीय जनता पार्टी का काम। शानदार सफलता के बाद भी जो वर्ग अभी अछूते हैं उनमें हमारे काम को विस्तार देना है। हम समाज के किसी वर्ग को नहीं छोड़ें, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, अल्पसंख्यक हो, माताएं बहनें हो, गरीब कल्याण के लाभार्थी हो, व्यापारी हो, समाज के अलग अलग वर्गों के लोग, प्रोफेसर हो, वकील हो, डॉक्टर्स हो, कलाकार हो, लेखक हो, साहित्यकार हो, कोई वर्ग हम अछूता नहीं छोड़ेंगे। ये सर्वस्पर्शी भाजपा। और सर्वव्यापी भाजपा का मतलब है कोई बूथ ऐसा नहीं होगा देश में, 10 लाख पोलिंग बूथ है देश, सभी 10 लाख बूथों पर सदस्यता की जाएगी, कोई बूथ भारतीय जनता पार्टी के सदस्य से विहीन नहीं रहेगा। सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी सदस्यता के अभियान को लेके हमने योजना और रणनीति बनाई। रणनीति के 3 चरण हैं। पहला चरण है तैयारी का। अभी 22 जुलाई तक हमने सभी प्रदेशों में प्रदेशों की बैठक संपन्न करने का फैसला किया था। कई प्रदेशों की हो गई, कुछ की 24 जुलाई तक संपन्न हो जाए। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने अब आगे तय किया है, उत्तर प्रदेश में संगठनात्मक दृष्टि से वैसे जिले हैं 75, लेकिन संगठनात्मक जिले भारतीय जनता पार्टी के 94। हमारे मंडल है 1495, 1495। हमारे शक्ति केंद्र जिनको हम सेक्टर भी कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के हैं 15,430। इनमें 10, 12, 14 पोलिंग बूथ एक सेक्टर में हैं, 15,430। और हमारे पोलिंग बूथ है 1,63,196 यूपी में, 1,63,196। इन सब पर हम सदस्यता करेंगे। मिनिमम हम 20% सदस्यता हर पोलिंग बूथ और हर जिले में मंडल में बढ़ाने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में जैसे 1,80,00,000 सदस्य थे पुराने हमारे पिछली सदस्यता के, उसमें 20% हम बढ़ाने, मिनिमम 20%, लेकिन मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 20% सदस्य हम नए बनाएंगे हमारे उत्तर प्रदेश में। उसके लिए 22 से 25 जुलाई तक हमारे सभी जिलों की बैठकें 22 को प्रदेश की बैठक हुई, 26 से 30 जून तक जिला बैठकें संपन्न होंगी, 1 से 5 जून तक सारी मंडल बैठकें संपन्न, 1 से 5 जुलाई तक सारी मंडल बैठकें हमारी संपन्न होगी, और 6 जुलाई से हमारा सदस्यता अभियान प्रारंभ होगा। पहले दिन हमने तय किया है कि समाज के प्रमुख लोगों को हम भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाएं। सदस्यता अभियान में हमने यह भी तय किया है कि सभी पोलिंग बूथों पर ठीक ढंग से सदस्य बने, इसलिए अब केवल मिसकाल देकर सदस्य नहीं बनेंगे, मिसकाल करेंगे, लेकिन मिसकाल के साथ ही हमारा कार्यकर्ता जिनको हम सदस्य बना रहे हैं उनके साथ होंगे। मिसकाल करवा के पत्रक भर के तत्काल हम भौतिक सत्यापन भी उसका कर लेंगे। 3 दिन का एक विशेष अभियान जिसकी तिथि अभी तय होगी,
वो मास लेवल पर सदस्य बनाने के लिए प्रारंभ होगा। और उस सदस्यता अभियान में हम सार्वजनिक स्थानों पर स्टॉल लगा के सदस्य बनाएंगे, वो मार्केट होंगे, बाजार होंगे, कॉलेजेज होंगे, हॉस्टल्स होंगे, कारखानों के परिसर होंगे, रेलवे स्टेशन होंगे, बस स्टैंड होंगे, और स्टॉल लगा के लोगों के बीच में जाके समूह में जाके रोड शो करके भी हम सदस्यता का अभियान करेंगे। और एक और विशेष योजना सदस्यता के अभियान को गति देने के लिए इस बार हमने बनाई है, और वो योजना है सदस्यता के लिए 7 दिन के लिए पूर्णकालिक विस्तारक निकालना। और ये विस्तारक लगभग हर शक्ति केंद्र पर, हर सेक्टर पर होंगे, और शक्ति केंद्र को भी 2 हिस्सों में बांटेंगे, तो लगभग 30,000 विस्तारक उत्तर प्रदेश में 7 दिन के लिए निकाले जाएंगे, जो हर पोलिंग बूथ पर जाएंगे और वहां की टीम के साथ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता का काम संपन्न करेंगे। 6 जुलाई से प्रारंभ करके 11 अगस्त तक हम अपने सदस्यता के काम को पूरा कर लेंगे, और उसके बाद भौतिक सत्यापन और सक्रिय सदस्यता का अभियान हमारा प्रारंभ होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस ढंग से आज उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने पार्टी की सदस्यता के अभियान की योजना बनाई है, संगठन के विस्तार की योजना बनाई है, हम समाज के हर वर्ग में पहुंचेंगे, हम हर बूथ पर और कोशिश होगी हर गांव में दस्तक देंगे, और हर वर्ग के लोगों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ेंगे। इसी अभियान के अंतर्गत आज मेरा लखनऊ आना हुआ था। साधारण सदस्यता के लिए कोई फीस नहीं है, निःशुल्क है, वो मिस कॉल करेंगे, कार्यकर्ता करवाएंगे, पत्रक भरेंगे, वो सदस्य बन जाएंगे। जो पुराने बने हैं वो तो रहेंगे ही, उसकी स्क्रूटनी की भी गई है, उनमें से कई के नंबर बदल गए हैं, कई के पते बदल जाते हैं, तो एक बार जो बन चुके हैं वो सदस्य तो सदस्य रहेंगे ही। फोन और नंबर बदलने के कारण अगर कोई सदस्य इधर से उधर हुए हैं तो जो बन गए उनको नहीं बनाएंगे, नए सदस्य जोड़ेंगे। मिस कॉल करेंगे तो मैसेज आएगा, और उसके बाद चूंकि इस बार दोनों तरह की व्यवस्थाएं हम कर रहे हैं, मिस कॉल के बाद SMS करके वो अपने डिटेल डालेंगे, लेकिन पत्रक भी भरवाने का काम साथ में कर लेंगे, तो डिटेल हमको साथ में भी मिल जाएंगे। टारगेट मिनिमम सदस्यता बढ़ाने का है, सक्रिय सदस्य बनने के लिए 50 सदस्य बनाना अनिवार्य है, आवश्यक है। और सदस्यता के इस काम में पार्टी के सांसद, विधायक शुरू करेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उनके अतिरिक्त जितने प्रमुख नेता, कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधिगण हैं, सबके सब इस काम में लगे। मुझे तो आश्चर्य होता, मैंने तो उनकी प्रशंसा की कि वो सरकारी अस्पताल में इलाज कराने गए, मैंने उनको बधाई दी, और मैंने ये जरूर कहा कि बाकी जनता को भी मुख्यमंत्री की तरह सुविधाएं मिलनी चाहिए। अब प्रशंसा करने पर भी भड़के, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं। मिस कॉल नंबर है 8980808080। कोई आमना सामना नहीं होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।